16 जून को गंगा दशहरा आ रहा है। इस बार काशी का अनुष्ठान करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आइए पंडित जी से जानते हैं किस राशि को कौन सा दान करना चाहिए। गंगा दशहरा अर्थात गंगा मैया का धरती पे अवतरण दिवस, ऐसा शुभ पर्व हमारे जीवन में हर साल आता है और गंगा मैया पाप ताप को हरने वाली है। गंगा मैया के इस पावन दिवस पर हम सभी को गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा मैया का स्नान ना कर सके तो गंगा मैया का ध्यान करके किसी भी पुण्य सलिला नदी सरोवर तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि वहाँ पर भी ना जा पाए तो घर पर जो हम स्नान करते हैं उस समय हम गंगा मैया का स्मरण करें तो भी गंगा मैया का स्नान का फल हमें प्राप्त होता है। लोग दान धर्म करते हैं और दान धर्म सनातन धर्म की एक पद्धति है और दान तो करते हैं, लेकिन इस दान को यदि हम अपनी राशि के अनुसार करेंगे तो यह दान हमारे लिए सर्वोच्च दान हो जाएगा, जिससे कि हमारी मनोभिलाषा पूर्ण होगी। 16 जून को जो गंगा दशहरा हमें प्राप्त हो रहा है उस दिन मेष राशि वालों को तिल और कपड़े का दान करना श्रेष्ठ है। वृषभ राशि वालों को गरीबों को खाना एवं धन देना सर्वोच्च माना गया है। इसी प्रकार मिथुन राशि वालों को पानी का जल का दान करना शुभ माना गया है और कर्क राशि वाले जातकों को पीले फलों का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सिंह राशि वाले जातकों को बर्तन में अनाज भर करके दान करना सर्वोच्च माना गया है। कन्या राशि वाले जातक बिल्व पत्र का दान करें, भगवान शिव जी को तो चढ़ाएं सही, लेकिन जो लोग चढ़ा सके उनके लिए मंदिर में बिल्व पत्र का दान करें। तुला राशि वाले जातक 7 प्रकार के अनाजों को दान करें, जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। वृश्चिक राशि वालों को मौसम में जो फल होते हैं उन फलों का दान करना सर्वश्रेष्ठ है। धनु राशि वालों को तिल का दान करना चाहिए, तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। मकर राशि वालों को मिट्टी के घड़े का, जल भर के मिट्टी के घड़े का दान करना अति लाभदायक माना गया है। और कुंभ राशि वालों को खाने की कोई भी मीठी चीज या दान करना सर्वोच्च है। इसी प्रकार से मीन राशि वालों को जल का दान करना चाहिए। गुलाब जल का दान करने से उनको उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से दान करें और अपने जीवन को सुखद बनावें।